एजुकेशनल फील्ड में लड़कियों के लिए गवर्नमेंट जॉब। जी हाँ दोस्तों, आज हम टीचर के पोस्ट पर होने वाले भर्ती और उसकी प्रक्रिया के बारे में बात करने वाले हैं। टीचर को हमेशा से समाज में इज्जत और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। यदि आप टीचिंग को अपना करियर बनाना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप कुछ क्राइटेरिया को फॉलो करके ये नौकरी आप आसानी से पा सकते हैं। आगे बढ़े इससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। तो आगे बढ़ते हैं। टीचर के लिए सर्वशिक्षा अभियान के तहत 3 पदों के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं, शिक्षक, सहायक और सचिव। शिक्षक पद की बात करें तो इसके लिए आपके पास 12वीं पास होना अनिवार्य है, जिसके लिए वेतन जो है 56,000 रुपये प्रति महीना मिलता है। वही सहायक पद की बात करें तो इसके लिए 8वीं पास होना जरूरी है, जिसके लिए वेतन 32,000 रुपये प्रति महीना ऑफर किया जाता है। जबकि ग्राम सचिव पद के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना जरूरी है। यदि आप इस पोस्ट के लिए सिलेक्ट होती हैं तो आपको 42,000 रुपये प्रति महीना वेतन के तौर पर दिया जा सकता है। आप भारत के कहीं से भी नागरिक हो, कहीं के भी नागरिक हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। और आयु सीमा की बात करें तो तीनों पद के लिए आयु सीमा अलग अलग निर्धारित की गई है। शिक्षक पद के लिए आयु सीमा 18 वर्ष और 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही ग्राम सचिव पद के लिए आयु सीमा की बात करें तो आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 38 वर्ष के बीच होनी चाहिए, 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। जबकि ग्राम सहायक पदों के लिए आपकी आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वही बात कर लेते हैं पे स्केल की, तो 28,800 रुपये से लेकर के 45,500 रुपये प्रति महीना तक आपको मिल सकता है। इन भर्तियों में आयु सीमा में छूट भी दी जाती है। यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 वर्ष और यदि आप एससी या एसटी महिला कैंडिडेट हैं तो आपको 5 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं, इसमें आपको खुशखबरी है कि आप जिस जिले से ताल्लुक़ रखते हैं आप उस लोकेशन पर जॉब कर सकती हैं। शिक्षक के लिए एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपसे रिटर्न एग्ज़ाम लिया जाता है। इसमें आपसे 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। आवेदन शुल्क के तौर पर महिला कैंडिडेट से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी कि निःशुल्क होता है। यदि आप आवेदन करना चाहती हैं तो सर्वशिक्षा अभियान के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जॉब्स के बारे में बताया। आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा ले ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नमस्कार।